देखो बच्चों जरा एक्सरसाइज 7.6 ही है ना ये। क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने पिछली क्लास में कर लिया था, 17 से हम स्टार्ट करते हैं। 17 नहीं, पहले हम 19th क्वेश्चन करते हैं। देखो नाइनटीन क्वेश्चन क्या है। 19th क्वेश्चन में इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x 1/x माइनस 1/x² dx, इसको इंटीग्रेट करना है। e टू द पावर x 1/x माइनस 1/x², इसको इंटीग्रेट करना है। तो क्या करेंगे, fx क्या है, fx क्या है यहां पर 1/x। अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे f डैश x क्या आएगा, f डैश x इज इक्वल टू माइनस 1 आगे और x की पावर 1 कम माइनस 2 माइनस 1/x². ठीक है, ठीक है, देखें आगे। अच्छा प्रॉपर्टी हमने ये की थी, हमने बच्चों पिछली बार e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, ठीक है, एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स इसका इंटीग्रेशन किसके इक्वल होता है, ये e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स क्या होगा, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी के इक्वल होगा। ये पिछली बार हमने प्रॉपर्टी की थी। अच्छा हम अपने क्वेश्चन को ऐसा लिख सकते हैं क्या, देखो i इज इक्वल टू e टू द पावर x एफ एक्स 1/x माइनस, प्लस कर देते हैं इसका क्योंकि यहां पर बीच में क्या होता है प्लस साइन होता है, और इसको हम ऐसा लिख दें माइनस 1/x² dx। ठीक है, तो अब ये देखो ये अगर एफ एक्स है तो ये एफ डैश एक्स है, तो ये इंटीग्रेशन किसके इक्वल होना चाहिए, e टू द पावर x इंटू 1/x प्लस c के इक्वल। क्यों, इस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स के इक्वल होगा। लेकिन बच्चों आपको यहां पर जब ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी लिखनी पड़ेगी कि इंटीग्रल 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 ऑफ e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स किसके इक्वल होगा, e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी के इक्वल होगा। समझे, ये प्रॉपर्टी आपको साइड में लिखनी है। ठीक है, समझ आया, चलें आगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, 17th को देखो। I इज इक्वल टू क्या है 17th क्वेश्चन, इंटीग्रल ऑफ x dx 1 प्लस x होल स्क्वायर dx, क्या करेंगे इसमें बताओ जरा, सेम प्रॉपर्टी से इसको सेटिस्फाई करेंगे, सॉरी इंटीग्रेट करेंगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, यहां पर जो एक्स है इस एक्स में हम 1 ऐड कर देते हैं और 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं और डिनोमिनेटर से इन दोनों टर्म्स को सेपरेटली डिवाइड कर देते हैं, एक्स प्लस 1 और 1 एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। समझ आया, दिस e टू द पावर x dx, देखो क्या हुआ, x में हमने क्या किया 1 ऐड किया तो ये बन गया x प्लस 1, 1 माइनस भी करेंगे ऐड किया है तो वो ये वाला 1 है, और डिनोमिनेटर से इसको सेपरेटली डिवाइड कर दिया, राइट। I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ, बताओ ये क्या हो गया, 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर, 1 ओवर x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर, एक मिनट, होल स्क्वायर नहीं आएगा भी, एक एक्स प्लस 1 यहां से कट हो जाएगा तो एक एक्स प्लस 1 बचेगा, ठीक है, क्या बचेगा, एक्स प्लस 1 बचेगा माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू ई टू द पावर एक्स डी एक्स। ठीक है, अब इसको इस माइनस को यहां से हटा के हम क्या करें, माइनस को यहां से हटा के यहां तो प्लस कर दें और यहां लगा दें माइनस, ठीक है, अब क्या बन गया ये, इसको अगर हम एफ एक्स अज्यूम करते हैं
क्या ज़ूम करते हैं, एफ एक्स, क्या है एफ एक्स, वन ओवर एक्स प्लस वन, वन ओवर एक्स प्लस वन। एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स क्या होगा बताओ जरा, बताओ। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक्स प्लस वन की पावर कितना, माइनस वन, एफ डैश एक्स क्या आएगा, पावर आगे आ जाएगी और पावर एक कम हो जाएगी, एक्स प्लस वन रेज टू पावर माइनस टू, यानी कि माइनस वन ओवर एक्स प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, ये होगा एफ डैश एक्स आ गया। एफ एक्स क्या था, एक्स प्लस वन, एफ डैश एक्स क्या हो गया, दिस, राइट। तो ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। क्वेश्चन अभी भी हमारा वैसे ही है, e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, आई इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी के इक्वल होना चाहिए, यानी कि e टू द पावर एक्स इंटू वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सी के इक्वल होना चाहिए। प्रॉपर्टी वही लिखोगे ब्रैकेट में कि इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स, दिस इज इक्वल टू e टू द पावर एक्स प्लस इंटू एफ एक्स प्लस सी, ये प्रॉपर्टी लिखोगे। जब भी इस प्रॉपर्टी का यूज करोगे, ये प्रॉपर्टी साइड में जरूर लिखनी है। पिछली बार किया था नहीं, e टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स किसके इक्वल होता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, 18th क्वेश्चन लिखो साथ साथ, आई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर एक्स वन प्लस साइन एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, बताओ जरा। वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस, बच्चों इस साइन एक्स को आप लिखिए टू साइन एक्स बाय टू, वन प्लस टू साइन एक्स बाय टू कॉस एक्स बाय टू, और इसके अपॉन में क्या है, वन प्लस कॉस एक्स। इस वन प्लस कॉस एक्स को आप लिखिए टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू dx, हेलो क्लास तुम्हें करना है तो कुछ आ जाओ, बाकी क्लास तो शायद नहीं है या है। हेलो, हाँ चलो मैं बताता हूँ, मैसेज करता हूँ। ओके, जैसे चल ही रहा था, रुका नहीं। देखो जरा, आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, गड़बड़ ही हो गया, बताओ जरा क्या करेंगे बच्चों। अब इसको अलग अलग लिखो, इसके नीचे वन बाय टू कॉस स्क्वायर एक्स बाय टू प्लस टू साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू, और इसके नीचे क्या है टू कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू डी एक्स। इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एक्स, क्या लिखें बच्चों इसको, देखो जरा। फर्स्ट टर्म तो हमारी ऐसे ही रहेगी वन बाई टू, इस कॉस स्क्वायर को बस हम सीकेंट स्क्वायर लिख लेंगे, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू। और बच्चे इस क्वेश्चन में बहुत बार क्या गलती करते हैं कि जब इसको ऊपर लिखते हैं तो टू को भी ऊपर लिख देते हैं साथ में, टू ऊपर नहीं जाएगा, सिर्फ कॉस ऊपर जाएगा और सीकेंट स्क्वायर बनेगा प्लस में। यहां पर टू से टू को कट कर दो, कॉस से कॉस को कट कर दो, तो इसलिए हमारे पास नीचे एक कॉस एक्स बचेगा, कॉस एक्स बाई टू, तो साइन अपॉन कॉस क्या बन जाएगा, टेन एक्स बाई टू बन जाएगा dx। आई क्या आ गया, इंटीग्रल ऑफ e टू द पावर x, देखो
टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस हाफ ऑफ सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू, ऐसा लिख दें इसको। चेक करो कि क्या इसमें कोई एफ एक्स और एफ डैश एक्स हैं, है तो बताओ। एफ एक्स हम इसको अज्यूम कर लें टेंजेंट एक्स बाई टू को, तो एफ डैश एक्स क्या बनेगा, एफ डैश एक्स क्या होगा भाई, सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू, ठीक है। एफ एक्स अगर टेंजेंट एक्स बाई टू है तो सीकेंट स्क्वायर क्या हो, एक्स बाई टू इंटू वन बाई टू क्या होगा, एफ डैश एक्स होगा। एफ एक्स का आप डेरिवेटिव करके देख सकते हो। देयरफोर अपना हमारा जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन आई इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स इंटू क्या हो गया, टेंजेंट एक्स बाई टू प्लस में सी। प्रॉपर्टी कौन सी लगाई, इंटीग्रल ऑफ ई टू द पावर एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। जहां कहीं भी ये प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे वहां पर ये लिखना भी है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ट्वेंटीएथ क्वेश्चन। एफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी इंटीग्रल ऑफ एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन ई टू द पावर एक्स एक्स माइनस वन का होल क्यूब। देखो जरा क्या करेंगे, बताओ बच्चों, क्या यहां पर कोई एफ एक्स और एफ डैश एक्स आपको दिखाई दे रहा है, क्या यहां पर कोई आपको एफ एक्स और एफ डैश एक्स दिखाई दे रहा है, नहीं अभी एट प्रेजेंट तो नहीं, बट हम इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और बना लेंगे। बच्चों डिनोमिनेटर पे फोकस करो, क्या है डिनोमिनेटर में, एक्स माइनस वन, तो ऊपर जो एक्स माइनस थ्री है इसको एक्स माइनस वन माइनस टू अपॉन में क्या है एक्स माइनस वन का होल क्यूब, और यहां पर भी क्या है एक्स माइनस वन का होल क्यूब डीएक्स, ठीक है। चलें आगे, अब एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है बेटा, देखो जरा I इज इक्वल टू, अच्छा एक तो e टू द पावर x रह गया, e टू द पावर x dx, इस x माइनस वन को, इस x माइनस वन को यहां से आप कट करेंगे तो क्या बचेगा, वन अपॉन x माइनस वन होल स्क्वायर माइनस टू अपॉन x माइनस वन का होल क्यूब e टू द पावर x इंटू dx, ठीक है। अब बताओ क्या एफ एक्स और एफ डैश एक्स हैं, एक काम करते हैं पहले तो इसको प्लस टू कर देते हैं और माइनस यहां लगा देते हैं, ठीक है। अब देखो एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर, और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो एक्स माइनस वन की पावर माइनस टू। एफ डैश एक्स क्या होगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू पावर को आगे ले आओ और पावर एक कम कर दो, ठीक है। यानी कि आप इसको लिख सकते हो माइनस टू अपॉन एक्स माइनस वन का होल क्यूब, ये एफ डैश एक्स है। सो क्वेश्चन अब क्या बन गया, आई इज इक्वल टू जो इंटीग्रल आई है वो क्या हो जाएगा, ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स, एफ एक्स मतलब वन अपॉन एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। समझ आया ना क्यों ये, क्योंकि जो पहला फंक्शन है वो हमारा क्या है एफ एक्स है, ये एफ एक्स है, क्या है ये एफ एक्स, और ये फंक्शन क्या है एफ डैश एक्स। तो क्वेश्चन हमारा इंटीग्रल ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स के टाइप का हो गया था, और जिसका इंटीग्रेशन क्या होगा ई टू द पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस सी। प्रॉपर्टी बच्चों आपको जरूर लिखनी है,
e टू द पावर x एफ एक्स प्लस एफ डैस एक्स किसके इक्वल होता है? e टू द पावर x इंटू एफ एक्स प्लस सी के इक्वल होता है। ठीक है, चलें आगे। नेक्स्ट लिख लिया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। 21st क्वेश्चन, आई इज इक्वल टू, बीच में कोई बचा तो नहीं ना, e टू द पावर 2x साइन x दिस dx, e टू द पावर 2x साइन x dx। ठीक है, देखो जरा, बच्चों आईलेट अगर इसमें हम फॉलो करें तो क्या क्या लगेगा? आईलेट अगर फॉलो करें तो फर्स्ट फंक्शन एज इट, एक को फर्स्ट ले, एक को सेकंड ले, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा है इसमें आप आईलेट को फॉलो नहीं भी करते तब भी हो जाएगा। ठीक है, देखो मैं आपको इसको उल्टा लेके करके दिखाता हूं, मतलब आईलेट से रिवर्स लेते हैं, क्या करेंगे फिर, इसको फर्स्ट ले लें और इसको सेकंड ले लें। यूजुअली आईलेट के अकॉर्डिंग होता तो साइन को फर्स्ट लेना था और ई टू द पावर एक्स को सेकंड लेना था, लेकिन ये ऐसे भी हो जाएगा। देखो जरा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, ई टू द पावर 2x एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड साइन एक्स एज, इंटीग्रेशन ऑफ साइन जो कि क्या होता है माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन क्या है भाई, e टू द पावर 2x, तो e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, e टू द पावर 2x इनटू 2 इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज sin x का इंटीग्रेशन जो कि क्या होगा माइनस cos x dx। समझ आया, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम यही फॉलो करते हैं। I इज इक्वल टू, देखो जरा, माइनस cos x e टू द पावर 2x माइनस, अब ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, 2 को हम बाहर ले लें, अच्छा तो ये बचा e टू द पावर 2x इंटू कॉस ऑफ x dx, दिस इज, अब वही फॉलो करना है, e टू द पावर 2x को फर्स्ट लेना है, cos x को सेकंड लेना है। क्यों ले रहे हैं ऐसा, क्योंकि दोबारा से हमारे पास इंटीग्रेशन के अंदर एक ऐसी टर्म आ गई मल्टीप्लीकेशन वाली जिसमें दो टर्म्स मल्टीप्लीकेशन में है, तो फिर से हमें इसके ऊपर क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स ही लगाना पड़ेगा। सो फिर से, लेकिन बच्चों ये याद रखना कि फर्स्ट और सेकंड फंक्शन वही लेने हैं आपने जो पिछले फर्स्ट टाइम में लिए थे, इंटरचेंज नहीं कर देना है, कभी आप कॉस को फर्स्ट ले लें और e टू द पावर x को सेकंड कर दें, ऐसा नहीं, जो आपने बिगनिंग में अज्यूम किया वैसे ही ऑर्डर वही रखना है। I इज इक्वल टू क्या होगा अभी, माइनस कॉस एक्स ई टू द पावर 2x, ठीक है, प्लस, अब इस पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी कि e टू द पावर 2x एज इट इज इंटू कॉस एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ओ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना था ना, क्या आना चाहिए, साइन एक्स माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, e टू द पावर 2x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, e टू द पावर 2x इंटू 2 माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, सॉरी माइनस इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रल ऑफ सेकंड फंक्शन यानी कि कॉस का इंटीग्रेशन, कॉस का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा अभी, साइन एक्स डी एक्स। समझ आया ये आपको, ठीक है, अब आप कहोगे जी फिर से प्रोडक्ट रूल आ गया है इसमें तो, फिर से प्रोडक्ट आ गया दो फंक्शंस का, तो क्या फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगाएंगे, बिल्कुल नहीं लगाएंगे, ठीक है, क्योंकि अब हम इस क्वेश्चन को हम भी समझ चुके हैं कि हमारे साथ गेम खेल रहा है, अब हम इसके साथ गेम करते हैं, वो कैसे करेंगे, देखो आई इज इक्वल टू, ठीक है, कॉस एक्स e टू द पावर 2x प्लस, इस ब्रैकेट को ओपन करो, तो ये हो गया 2 e टू द पावर 2x
साइन एक्स, ठीक है साइन एक्स माइनस, यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों, ये टू और ये बिगनिंग का टू, दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएंगे फोर, e टू द पावर टू एक्स साइन एक्स डी एक्स प्लस सी। अब देखो जरा, ये यही क्वेश्चन बन गया, यही टर्म बन गई जो बिगनिंग में थी, e टू द पावर टू एक्स इंटू साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। I इज इक्वल टू, यहां पर देखना बच्चों जरा इन दो टर्म्स में, e टू द पावर क्या है 2x कॉमन है, e टू द पावर 2x क्या है कॉमन है, यहां पर बचेगा 2 साइन x, जो बाद वाली टर्म है वहां 2 साइन x माइनस कॉस x, माइनस कॉस x माइनस 4, और आगे वाले इस पूरे इंटीग्रेशन को हम क्या लिख लेते हैं I के इक्वल लिख लेते हैं, क्योंकि इसको हमने बिगनिंग में ही I सपोज किया हुआ था। सुंदर, अति सुंदर। I इज इक्वल टू, सॉरी उस 4i को लेफ्ट में लेके आए आओ, तो 4i प्लस में हो जाएगा e टू द पावर x 2 साइन x माइनस कॉस x, 2 साइन x माइनस कॉस x, ठीक है। तो 5i किसके इक्वल बन गया e टू द पावर x, अच्छा ये 5i और 5 को भी नीचे ले आओ एक स्टेप में, 5i बनेगा और 5 कहां जाएगा नीचे, ठीक है। तो ये 2 sin x माइनस cos x प्लस में c, समझ आया क्या, इस टाइप से होगा। अच्छा क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो भाई। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 22, बताओ जरा 22 क्वेश्चन कौन कर सकता है, साइन इनवर्स आई इज इक्वल टू साइन इनवर्स, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 2x प्लस 1 प्लस x स्क्वायर, मैं कैसे बैठ सकता हूं अरमान। एक तो हम इसमें डायरेक्ट आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, और दूसरा हम x को tan थीटा मान लें, अगर हम x को tan थीटा ले लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, तो dx क्या होगा भाई, dx क्या होगा secant square theta d theta, i क्या आ गया integration of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta into into बच्चों dx क्या है secant square theta d theta, x को हमने क्या पुट किया 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, तो ये बन गया 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, dx फाइंड आउट किया जो कि क्या है secant square theta d theta, this is equal to sin inverse of, अच्छा बच्चों आप बता सकते हो कि ये जो sin के ब्रैकेट में आगे टर्म लिखी हुई है उसे एंगल मत बोल देना, वो एंगल नहीं है, वो क्या होगा कि वो सिंप्लीफाई करके हम लिखें तो किसके इक्वल होता है, कौन सी आइडेंटिटी बताओ जरा, कौन सी आइडेंटिटी बन रही है ये, साइन टू थीटा की आइडेंटिटी है ये, बाकी सब एज इट इज। अब क्या करें, साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया टू थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा डी थीटा,
अब ये बताओ कि किस टाइप का फंक्शन बना, किस टाइप का फंक्शन बना ये? दिस इज लाइक एक्स साइन एक्स, किस टाइप का ये? एक्स साइन एक्स, ठीक है। तो एक्स को हम लेते हैं फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्रिक को लेते हैं सेकंड, टू को तो बाहर रख लेंगे। अप्लाई कर दो इस पे, टू इंटू फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, थीटा एज इट इज, सेकेंड स्क्वेयर का टेन थीटा, थीटा एज इट इज माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड यानी कि टेन थीटा डी थीटा, समझ गए? दिस इज इक्वल टू टू थीटा। बताओ थीटा क्या है, यहां से बताओ थीटा क्या है, या एक स्टेप और लिख लेते हैं फिर बाद में इकट्ठा ही डाल देंगे। थीटा इंटू टेन थीटा माइनस टेन थीटा का इंटीग्रेशन बताओ माइनस लॉग ऑफ कॉस थीटा, यही होता है ना, ठीक है भाई? समझ आया नहीं आया? एक बार, दिस इज इक्वल टू टू इंटू, अब बताओ थीटा की वैल्यू, थीटा कितना है भाई? यहां से देखना, यहां से थीटा आएगा टेन इनवर्स एक्स, थीटा
कभी कोई बंद हो जाता है, कभी कोई बंद हो जाता है। मिस्टर बीन, ये तो मिस्टर बीन हो गया। चलो अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ए टू द पावर एक्स सेकेंट एक्स